दर्शकों, अभी तक में आपका स्वागत है। मैं ऋचा वर्मा हाजिर हूँ अभी तक की कुछ ताजा खबरों के साथ। तो आइए नजर डालते हैं अभी तक की ताजा खबरों पर। चांदपुर में व्यापारी को बंधक बनाकर लाखों की लूट, पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी। मानव वन्य जीव संघर्ष को कम करने एवं बाघों के संरक्षण के लिए अमानगढ़ टाइगर रिजर्व एरिया में किया गया विशेष कार्यशाला का आयोजन। शेरकोट पहुंचे अपर पुलिस अधीक्षक संजय सिंह ने स्थानीय लोगों के साथ की बैठक, कानून व्यवस्था बहाली के लिए सहयोग करने और सतर्क रहने का आह्वान किया। हल्द्वानी के कुकड़ा रियासत के कुंवर संजय सिंह की बेटी वर्णिका सिंह का खेल मंत्रालय में सहायक निदेशक के पद पर हुआ चयन। कुकड़ा रियासत में बधाई देने वाले लोगों का लगा तांता। रंग बरसे आज न छोड़ेंगे मंजोली, खेलेंगे हम होली। जीनियस जीनियस शुरू हो रहा है अभी तक चैनल पर। जीनियस कौन सीजन 3। अब की बार जीनियस कौन सीजन 3 में भाग लिया है मुरादाबाद मंडल के छात्र छात्राओं ने, जिनमें से चुने गए 36 जूनियर और 36 सीनियर ले रहे हैं इस प्रतियोगिता में भाग। आप वंचित न रह जाइएगा इन होनहार बच्चों की प्रतिभा देखने के लिए। अभी तक पर शुरू हो रहा है यूपी का पहला टीवी शो जीनियस कौन सीजन 3। कौन बनेंगे जूनियर और सीनियर के जीनियसेस? बने रहिए अभी तक चैनल के साथ और देखते रहिए टीवी शो जीनियस कौन सीजन 3। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें। जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कौन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरे पल, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें अभी तक न्यूज चैनल। बिजनौर में जिलाधिकारी रमाकांत पांडे और पुलिस अधीक्षक संजीत त्यागी के नेतृत्व में चलाया गया सघन चेकिंग व तलाशी अभियान। सुहारा में अवर शुगर मिल के तत्वाधान में किया गया किसान गोष्ठी का आयोजन। मिल के अधिशासी अध्यक्ष सुखवीर सिंह ने किया गोष्ठी का शुभारंभ। नगीना के समाज सेवी लवी मित्तल ने उठाया पर्यावरण संरक्षण का बीड़ा। अब तक लगा चुके हैं सैकड़ों फल व छायादार पेड़। रजपुरा के कायनात इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य मोहम्मद रफी अहमद खान के निधन से शोकाकुल छात्रों ने निकाला कैंडल मार्च। अब खबरें विस्तार से। चांदपुर में बेखौफ बदमाशों ने मार्बल व्यापारी की दुकान पर लाखों की लूट को अंजाम दे डाला। बताया जा रहा है कि बदमाश मार्बल व्यापारी की दुकान में घुसे और व्यापारी को बंधक बनाकर 1.25 लाख की नकदी, 2 सोने की अंगूठी, कीमती कड़ा लूट लिया। ये घटना चांदपुर के दत्याना रोड स्थित एरन मार्बल शॉप की है, जहाँ अज्ञात बदमाशों ने शोरूम में मालिक सौरभ अग्रवाल को बंधक बनाकर 1.25 लाख की नकदी और कीमती सामान लूट लिया। इतना ही नहीं, बदमाशों ने एक ग्राहक के साथ भी लूटपाट की। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी ली। मैं तो सामान के लिए भैया को पैसे दे गया था। वो पैसे देने के बाद मैंने कहा सामान नहीं पहुंचा, मेरा 1 घंटे से ज्यादा हो गया। मैं देख रहा हूँ क्या बात है। अच्छा। अब मैं यहाँ आया तो पता लगा कि वो मतलब सटा तो गिरा हुआ था इनका। एक बंदा था बाहर, अरे वो अंदर है, अंदर लेके मुझे फिर अंदर ले लिया उन्होंने। तो आपके साथ भी बदतमीजी भी? नहीं, बदतमीजी का उन्होंने पैसे लिए मेरे और पर्स ले लिया। ना पर्स दिखा, झाड़ा पूरा सामान, पूरी तलाशी ली उन्होंने मेरी। अच्छा। तलाशी लेने के बाद फिर वो
अपना मेरा जो मोबाइल था वो मोबाइल भी छीन लिया और जो पर्स था पर्स ले लिया। पुलिस ने बदमाशों को पकड़ने के लिए आधा दर्जन टीमें लगाई हैं। पुलिस जल्द बदमाशों को पकड़ने की बात कर रही है। चांदपुर से गौरव त्यागी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौरभ अग्रवाल है। सर, 7 बजे रात 24 तारीख की शाम 7 बजे शुरू में दो आदमी आए टायर्स देखने के बहाने और उन्होंने टायर्स पसंद करी। इस बीच में उन्होंने अपने साथ 6-7 आदमियों को और बुला लिया टायर्स पसंद करने के लिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि टायर्स आप पैक कर दो, भरवा दो। फिर किसी बहाने से मेरे को ये सैनिटी देखने के लिए नीचे बेसमेंट में ले गए। बेसमेंट में ले जाने के बाद मेरे साथ जो मेरे 3 वर्कर और थे वो भी इनके साथ, इन्होंने उस पर दबिश दे दी, उसे दबा लिया और मेरे कनपट्टी पे उन्होंने तमंचे से वार करा, तमंचा मेरे सिर पे उसकी बट मारी। बट मारने के बाद उन्होंने मेरी जेब में जितने भी पैसे थे वो सबकी लूट खसोट करी और मेरी जेब से मेरे गले की चाबी लेके मेरी जेब में से गले में से पैसे निकाले और मेरे हाथ में जो सोने का जो चैन थी, सोने का जो कड़ा था, जो अंगूठी थी, 2 अंगूठियाँ थी, कड़ा था वो भी उन्होंने निकाल लिया। मेरा ये मोबाइल भी अपने साथ ले गए हैं, DVR ले गए हैं, मेरे कैमरे और मेरी LED भी ले गए हैं। ये घटना को इन्होंने अंजाम दिया। अंजाम देने में लगभग दुकान पर उस समय 8 से 10 आदमी मौजूद थे। कितने की लूट हुई है लगभग? सर, लगभग इसमें जो मेरा जो हार्ड कैश गया है वो 1.25 लाख रुपये करीब का हार्ड कैश गया है। बाकी इसमें मेरा जो गया है वो सोने का कड़ा, अंगूठी, चैन, अंगूठी, 2 अंगूठी, 1 सोने का कड़ा। चांदपुर में जलीलपुर रोड पर ये एनरॉन मार्बल की शॉप है। कल शाम कुछ अज्ञात युवकों ने यहां आकर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है। मालिक की 2 अंगूठी ले गए हैं, 1.25 लाख रुपए एक व्यक्ति से लेके गए हैं। कुल 2.5 लाख रुपए का सामान लूटकर ये लोग ले गए हैं। पुलिस टीम लगी हुई है, कुछ अहम सुराग हाथ लगे हैं। जल्दी इस घटना का खुलासा कर दिया जाएगा। जंगल में मानव और वन्य जीवों के बीच संघर्षों को कम करने, बाघों के संरक्षण और संवर्धन के लिए अमानगढ़ टाइगर रिजर्व एरिया के विश्राम गृह में विशेष वर्कशॉप का आयोजन किया गया। वर्कशॉप में विभागीय अधिकारियों और वन्य जीव विशेषज्ञों ने मानव व वन्य जीवों के संघर्ष को रोकने के लिए लोगों को सुरक्षा के उपाय बताए। इस मौके पर प्रभागीय वन निदेशक डॉक्टर एम सेमारन ने फायर मैनेजमेंट, बीमारी से रोकथाम, घास के मैदानों के विस्तार व वन्य जीवों की सुरक्षा के बारे में जानकारी दी। कार्यशाला में मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर भूपेंद्र सिंह चौधरी, डॉक्टर धीरेन्द्र सिंह, डॉक्टर सौरभ, रेंजर राकेश कुमार शर्मा सहित भारी संख्या में स्टाफ सदस्य मौजूद रहे। रेहर से मनोज गहलोत की रिपोर्ट। वर्कशॉप का मेनली 2 पार्ट में की गई थी। पहली पार्ट में मेन मैनेजमेंट कॉन्फ्लिक्ट के बारे में और सेकेंडरी जो था ट्रैंकुलाइजिंग के बारे में। जी, हमारे पास यहाँ पे दो गन थी ट्रैंकुलाइजिंग, एक थी कार्बन सिलेंडर वाली और दूसरी थी न्यूमेटिक। जो अभी चलाई ये न्यूमेटिक है। इसमें न्यूमेटिक में क्या करते हैं हम लोग कि इसमें एयर का प्रेशर देते हैं। सबसे पहले डोज तैयार करते हैं। डोज तैयार करने को पर बॉडी वेट लेते हैं। जैसे लेपर्ड है, सपोज 50 kg का लेपर्ड है तो 4 mg पर kg के हिसाब से केटामिन लेते हैं और 0.5 mg पर kg के हिसाब से जाइलेजिन लेते हैं। तो इसको लिक्विड के हिसाब से 2 ml और 0.5 ml, 2.5 ml का वो हो गया। इसको 2.5 ml को एक सिरिंज होती है और सिरिंजों में आगे अपर्चर होता है, इसमें साइड से होता है, इसके ऊपर रबर का वो लगा देते हैं। दवा भरने के बाद में, इंजेक्ट करने के बाद हम निडिल लगा देते हैं, निडिल को टाइट कर देते हैं। फिर पीछे से इसमें एयर प्रेशर डालते हैं। एयर प्रेशर क्या करते हैं कि 10 से 12 एटमॉस्फेरिक तक उसका प्रेशर करके रखते हैं और फिर उसको ढक्कन नीचे बंद कर देते हैं। ढक्कन बंद करने के बाद में डार्टिंग जो गन है उसमें लोड कर देते हैं। लोड करने के बाद में फिर उसका प्रेशर जो है हम इस तरीके से रखते हैं कि 20 मीटर, या रफली ये है कि पिच, क्रिकेट के पिच की जो दूरी है उस उतनी दूरी के लिए हम 7 प्रेशर रखते हैं। तो उस 7 प्रेशर को रखते हुए डार्ट करते हैं। डार्ट कहाँ करते हैं? डार्ट कंधे पे या हिप पे। वो इसलिए करते हैं मस्कुलर पे क्योंकि इसमें साइड से होता है, जैसे ही वो अंदर जाती है तो ऊपर का कैप हट जाता है। कैप हटते ही दवा साइड से जाएगी। अगर पेट में मारेंगे तो वो
मस्कुलर में नहीं। सर ये बॉडी वेट के हिसाब से लगती है या एज के हिसाब से डोज दी जाती है? बॉडी वेट के हिसाब से लगती है। तो सर उसे कैसे गैस करते हैं कि इसका वाइल्ड लाइफ का कितना वेट है? लगभग हम लोग अंदाज कर लेते हैं 40 किलो है, 45 किलो है, 50, थोड़ा बहुत 19-20 कोई है। तो रफली जिस जानवर का बॉडी वेट नहीं मालूम होता है तो उसके लिए एक औसत मानते हुए 150 mg केटामिन और 50 mg जाइलोजिन। सर ये डोज से कितने समय तक ट्रैंकलाइज रहता है? ये इसको टाइम लेता है 10 से 15 मिनट तक बेहोश होने में लगता है और 50% कभी ऊपर भी हो जाएगा। जैसे 5-7 कितने समय तक सर ट्रैंकलाइज रहता है? रहता है काफ़ी टाइम तक, 1 घंटा तक होता है। और अगर और ज़्यादा करना है, जैसे कोई ऑपरेशन करना है, कोई कुछ करना है, तो हम एक 990B12 का इंजेक्शन वो उसको देते रहते, उतनी देर तक वो और बेहोश रहता रहता। ठीक है। अपर पुलिस अधीक्षक संजय सिंह शेरकोट पहुंचे, जहां उन्होंने शेरकोट थाने का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद उन्होंने स्थानीय लोगों और ग्रामीणों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने लोगों से कानून व शांति व्यवस्था बहाली में पुलिस प्रशासन का सहयोग करने और समाज के लिए अपनी भागीदारी निभाने का आह्वान किया। अपर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि अगर आपके आस पास कोई भी संदिग्ध घटना घटे या कोई भी संदिग्ध व्यक्ति मिले तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें। शेरकोट से नईमुद्दीन इदरीसी की रिपोर्ट। कोई अचानक से बहुत पैसे वाला बन गया, उसकी स्थिति नहीं थी, लेकिन वो देखा 2 गाड़ियां ले ली, उसने आसपास क्षेत्र की 10-20 बीघा जमीन खरीद ली, बड़ा उसका रहन सहन बदल गया। उसके घर पे कुछ लोगों का आना जाना है, संदिग्ध लोग आ रहे हैं, रात में जा रहे हैं, बड़ी गाड़ियों से आ रहे हैं। तो ये सब जो आप लोग हैं, आप ही लोग जो विसिल ब्लोअर कहते हैं इसे, आप लोग ही हम लोग बताते हैं, हम लोग उसे डेवलप करते हैं। हमारे पास LI भी रहती है, स्पेशल ब्रांच रहती है, सारी रहती हैं, लेकिन वो हर जगह नहीं आ सकते हैं, हर जगह नहीं आ सकते, हर गांव में घूम। आप लोग जो है इसमें भी थोड़ा सा जागरूक हैं, ये भी एक जिम्मेदारी है नागरिकों की, जो है देश के प्रदेश के प्रति अपने प्रति भी है। अगर थोड़ी सी भी जानकारी आप लोग देंगे तो हम उसे डेवलप कर लेंगे। ये थाना शेरकोट में आज जो है वार्षिक निरीक्षण मेरे द्वारा आज किया गया है। वार्षिक निरीक्षण की तारीख दी गई थी, उसी में थाने का पूरी साफ सफाई, थाने के बिल्डिंग भवन, शस्त्रागार, यहाँ की कार्यालय और कर्मचारी और चौकीदार ने सबकी मीटिंग आज की गई है। अभिलेखों का यहाँ देखा गया, रख रखाव किस तरीके का है, कर्मचारी समस्या, और होली के दृष्टिगत यहाँ के जो सम्मानजनक नागरिक हैं, प्रबुद्ध नागरिक हैं, दोनों समुदाय के नागरिकों को आगामी होली दृष्टिगत बुलाया गया, तो होली संबंध में कोई भी समस्या बुला के वार्ता की गई है, जो किस तरह होली मनाई जाएगी ताकि शांति सौहार्द से मनाई जाए, जो कि शासन की नीति है उसी के अनुपालन के अनुसार होली मनाई जाए, उसी संबंध में आज मीटिंग हेतु वार्ता की गई और वार्षिक निरीक्षण किया गया। सर निरीक्षण के दौरान आपने यहाँ क्या पाया, किस तरीके का थाने का रख रखाव, कैसा महसूस हुआ आप? थाने का रख रखाव एकदम ठीक है और थाने का सभी कुछ ठीक ठाक पाया गया, यहाँ की कार्यालय को भी अच्छा पाया गया, यहाँ की थाना पुलिस से पब्लिक की अच्छी इंटरेक्शन है, पब्लिक द्वारा तारीफ की गई है, थाने के अध्यक्ष और उनके कर्मचारी और अधिकारियों की, और थाने में बाउंड्री वॉल की कमी देखी गई है, बाउंड्री नहीं है, जब भी जानवर आ जाते हैं उसका प्रस्ताव जल्दी यहाँ भेजा जाएगा, और कुछ शस्त्रागार में कुछ जो है कारतूस वगैरह पुराने पाए गए उन्हें हम लोग बदलवा देंगे जल्दी जो है, बाकी कार्य अभिलेख प्रपत्र सभी जाँचे जा रहे हैं, पूर्णतः सही पाए जा रहे हैं, कहीं कोई समस्या नहीं पाई गई है। मुकदमों की विशेषताओं में कोई कमी पाई? हाँ मुकदमे इस क्षेत्र में मैं देख रहा हूँ ज़्यादा मुकदमे हैं नहीं, तो ये कि उसकी हम लोग समीक्षा करेंगे जो खत्म होने लायक है, और समय से जितना समय निर्धारित मुकदमों का 30 दिन का उसी में हम लोग प्रयास करेंगे कि 30 दिन में समाप्त कराए जाए। बिजनौर में पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों के नेतृत्व में नगर के मुख्य मार्गों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग के दौरान जिलाधिकारी रमाकांत पांडे, पुलिस अधीक्षक संजीव त्यागी और SP सिटी लक्ष्मी निवास मिश्र भी भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर मौजूद रहे। इस दौरान जहां 4-पहिया व 2-पहिया वाहनों की चेकिंग की गई, वहीं संदिग्ध लोगों की तलाशी भी ली गई। बिजनौर से तुषार वर्मा की रिपोर्ट। बिजनौर की संवेदनशीलता आप जानते हैं, तो ये हमारी रेगुलर एक्सरसाइज है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की, इसमें ब्लैक मार्च निकालना और जो समाज के जाने पहचाने लोग हैं, मौजूद लोग हैं, उनसे बातचीत करना और ये अपील करना कि व्यवस्था बना रखें हमारा,
अपनी रेगुलर एक्सरसाइज और उसके लोगों ने यहाँ जनपद बिजनौर के मुख्यालय पर एक फ्लैग मार्च निकाला। सरदान साहब उनको बोल दी और उसके लोग सारे जो मिश्रित आबादी वाले क्षेत्र और सामान्य क्षेत्रों में फ्लैग। खबरों में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे। आप कहीं जाइएगा मत, तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए अभी तक। सबकी खबर सब पर नजर, 24 घंटे पूरे सप्ताह हम पहुंचाते हैं आप तक आपकी बात। चाहे जैसे भी हो मुश्किल, कैसे भी हो हालात, हर घटना पर पैनी नजर, जिससे आप न रहे बेखबर। आपके जिले की ताजा खबरें मिलती रहे आपको, चाहे कमी हो बुलंद आवाज, मनोरंजन एवं खेल कूद की खबरों का पूरा हाल, आपके जिले के कार्यक्रम और जिले की हलचल, रहे हमेशा अभी तक की खबरों के साथ। सबकी खबर सब पर नजर 24 घंटे। ब्रेक के बाद हम एक बार फिर हाजिर हैं, तो आइए नजर डालते हैं अभी तक की बाकी ताजा खबरों पर। सोहारा में अवर शुगर मिल द्वारा विशाल गन्ना गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी का शुभारंभ मिल के अधिशासी अध्यक्ष सुखवीर सिंह ने किया। गोष्ठी में किसानों को ट्रेंच विधि से गन्ना बुआई, फसल में लगने वाले रोग व कीटों से बचाव की जानकारी दी गई। गोष्ठी में मिल के अधिशासी अध्यक्ष सुखवीर सिंह ने पेराई सत्र में सहयोग के लिए सभी किसानों का आभार व्यक्त किया। गोष्ठी में भारी संख्या में मिल अधिकारी व किसान उपस्थित रहे। सिहोरा से नदन सिद्दीकी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश जो है पूरे भारत में 3 साल से चीनी उत्पादन और गन्ना उत्पादन में नंबर 1 है। इससे पहले हमेशा महाराष्ट्र ही नंबर 1 रहा है और ये हुआ है 0238 वैरायटी के कारण, इस किस्म के कारण। आज हरियाणा से पंजाब से लेके बिहार तक सिर्फ यही वैरायटी है। वैसे तो पर्यावरण का संरक्षण विश्व के हर प्राणी की जिम्मेदारी है, लेकिन नगीना निवासी समाज सेवी लवी मित्तल पर्यावरण संरक्षण के लिए पिछले कई सालों से बीड़ा उठाए हुए हैं। दरअसल लवी मित्तल सैकड़ों की संख्या में फल व छायादार पेड़ लगा चुके हैं। इतना ही नहीं, लवी मित्तल न सिर्फ पेड़ लगाते हैं बल्कि लगाए गए पेड़ों की बखूबी परवरिश भी करते हैं, ताकि ये पौधे एक दिन वृक्ष बनकर पर्यावरण संतुलन में अपनी अहम भूमिका निभा सकें। नगीना से कृष्ण अवतार शर्मा की रिपोर्ट। रजपुरा में कायनात इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य मोहम्मद रफी अहमद खान का लंबी बीमारी के चलते निधन हो गया। प्रधानाचार्य के निधन से क्षुब्ध स्कूली छात्रों ने उनकी आत्मा शांति के लिए कैंडल मार्च निकाला। कैंडल मार्च निकालते हुए छात्र स्कूल पहुंचे और प्रधानाचार्य के चित्र के समक्ष पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और 2 मिनट का मौन धारण कर उनकी आत्मा शांति की कामना की। रजपुरा से कौशल कुमार की रिपोर्ट। खबरों में आज के लिए बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अभी तक की नई ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए अभी तक। नमस्कार।